आइए अगले सवाल पे चलते हैं। इफ एक्स वाई जेड आर थ्री सम ऑफ मनी सच दैट वाई इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स एंड जेड इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन वाई फॉर द सेम टाइम एंड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट देन वॉट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड वी हैव ए एक्स स्क्वायर इजकल टू एक्स वाई बी एक्स वाई जेड इजकल टू वन सी वाई स्क्वायर इजकल टू वाई जेड डी वाई स्क्वायर इजकल टू जेड एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पे तीन अमाउंट है, तीन अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है, थ्री प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये अमाउंट ऐसी है थ्री सम ऑफ मनी सच दैट वाई का वाई सिंपल इंटरेस्ट है एक्स पे, एक्स अगर प्रिंसिपल अमाउंट है तो उस पर इंटरेस्ट जो मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट वाई है। ठीक है, पहला केस ये बता रहा है और दूसरा केस क्या बता रहा है एंड जेड इज ए सिंपल इंटरेस्ट ऑन वाई। जेड क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है वाई पे, अगर वाई सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है इसको एक्स इन्वेस्ट करने पे वाई मिल रहा है। ठीक है, तो वाई इन्वेस्ट करने पे इसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है जेड। ठीक है, यहाँ पे टाइम पीरियड सेम दिया गया है और रेट भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम दिया गया। तो आइए हम इस जो इक्वेशन दी गई है यहाँ पे इसको इक्वेशन बना के फटाफट सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि फार्मूला यहाँ पे एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 होता है सिंपल इंटरेस्ट का, इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। तो हम फर्स्ट केस की बात करेंगे जहाँ पे आपको वाई को बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट है वाई। ठीक है, पहले केस में क्या है वाई इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स। ठीक है, तो वाई सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, वाई सिंपल इंटरेस्ट कितने पे मिल रहा है एक्स के ऊपर मिल रहा है, एक्स हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, एक्स हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स मीन्स एक्स इन्वेस्ट करने पे उसको वाई मिल रहा है। रेट और टाइम यहाँ पे सेम हमें दिया गया है तो आर टी लिखेंगे। ठीक है, रेट को हम आर लिखेंगे, टी को टी, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट हमारे यहाँ पे पी की जगह एक्स हो रहा है। ठीक है, एक्स के ऊपर इसको वाई इंटरेस्ट मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट अपॉन 100। ये केस वन की हमारा बन गया इक्वेशन वन। सिमिलरली सेकंड केस में क्या बोल रहा है, वो सेकंड केस में बोल रहा है वाई इन्वेस्ट करने पे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन वाई। ठीक है, वाई रुपीज़ अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा अगर वाई है तो उस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको जेड। तो जेड इज इक्वल टू वाई, बाकी रेट सेम है, टाइम सेम है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से रेट एंड टाइम सेम है अपॉन 100। ठीक है, तो ये दोनों केस हमारे पास आ गए। ठीक है, फर्स्ट केस सेकंड केस, अब हम दोनों केसेस को डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारा आर टी अपॉन 100 आर टी अपॉन 100 कैंसल आउट हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ठीक है, एक्स आर टी अपॉन 100 डिवाइडेड बाई वाई आर टी अपॉन 100 करेंगे तो आपका आर टी अपॉन 100 और आर टी अपॉन 100 कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा एक्स अपॉन वाई। ठीक है, इधर का राइट हैंड साइड का, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है वाई अपॉन जेड सिंपली आ जाएगा। तो ठीक है, आप इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, वाई एक तरफ चले जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।